फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम आपको क्रोशिया का बहुत प्यारा सा डिजाइन बताने वाले हैं। देखिए, मैंने इसके अंदर 50 चैन बुन ली है और देखिए मेरा क्रोशिया नंबर भी 2.5 mm है। अब हमने देखिए जो इसकी फर्स्ट रो बुननी है तो कैसे बुनेंगे। देखिए हमारी 2 ही रो का डिजाइन है फ्रेंड्स, तो देखिये इसकी फर्स्ट रो कैसे बुनेंगे। नीचे से आपने 10 चैन बुननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ हम डबल क्रोशिया से बुनेंगे, 1, फिर देखिए 1 चैन बुनेंगे, 1 चैन स्किप कर दीजिए, सेकंड चैन में आपने फिर से डबल क्रोशिया से बुनना है, फिर 1 चैन बुननी है, फिर 1 चैन स्किप करनी है नीचे से और सेकंड चैन में फिर बुनना है हमने, फिर 1 चैन बुनेंगे और नीचे से भी 1 चैन स्किप करके सेकंड चैन में हमने डबल क्रोशिया से बुनना है। यानी कि हमने इस तरह से देखिए 1 2 3 जाली बनानी है और ये 1 2 3 4 बन गए हैं। अब आपने क्या करना है, 1 2 3 4 चार चैन बुनेंगे, एक बार लेंगे और ये देखिए 1 2 3 4, यानी कि 3 चैन स्किप करके चौथी चैन में हमने फिर से डबल क्रोशिया से बुनना है, 1 फिर 1 चैन बुननी है, नीचे से 1 चैन स्किप करके सेकंड चैन में हमने फिर से डबल क्रोशिया से बुनना है, फिर 1 चैन बुननी है, 1 चैन स्किप करके देखिए ये स्किप करके सेकंड चैन में हमने फिर से डबल क्रोशिया से बुनना है, फिर 1 चैन बुननी है, 1 स्किप करके सेकंड चैन में बुनना है। तो देखिए 1 2 3 4 बुन लिए और फिर हमने 4 चैन बुननी, 1 चैन बुन ली, 2 3 4, फिर नीचे से देखिए 1 2 3 4 चौथी चैन में हमने बुनना है डबल क्रोशिया से इस तरह। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं इस फर्स्ट रो को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है और ये देखिए कुछ चैन बच गई है तो हम इसे बाद में निकाल देंगे। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से 1 चैन बुननी है और इसे पलट लेना है। यहाँ से हमारी सेकंड रो होगी, यहाँ से देखिए अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से देखिए 1 2 1 2 3, देखिए 3 बार हमने पफ स्टिच बनाया और इस तरह से 1 और 2 चैन बुन देंगे। फिर आपने क्या करना है, एक पल लेना है यहाँ से 1 2 3 3 बनाए, फिर आपने इस तरह से फिर 2 चैन बुननी है, 1 और 2 बार बुना हमने, फिर देखिए 1 2 3 3 के बाद देखिए फिर पफ स्टिच बनाएंगे, 1 और 2 3 बन गए हमारे, फिर देखिए 1 2 3 3 के बाद फिर इन सबको एक साथ बुन लेंगे और 2 चैन बुनेंगे, 1 और 2, फिर से हम इसमें बनाएंगे देखिए 1 2 3 और इन सबको एक साथ बुन लेंगे, 1 और 2 इस तरह से देखिए। ये हमने इसमें देखिए 1 2 3 4 5 बना लिए। अब आपने क्या करना है, 2 चैन क्या करना है, फिर आपने देखिए यहाँ 1 चैन बुननी है इस तरह, फिर 1 और 2 चैन बुनने के बाद फिर आपने देखिए यहाँ 1 2 3 3 बार का पफ स्टिच बनाइए और सबको एक साथ बुन लीजिए, 2 चैन का गैप रखिए बीच में। फिर से हमने इसके अंदर भी 5 टाइम ही बुनना है, यानी 1 बन गया हमारा, 2 3 और इन सबको एक साथ बुन लेंगे, 2 चैन बुनेंगे, फिर इसके अंदर 1 2 3 इन सबको एक साथ बुन लेंगे,
दो चैन बुनेंगे, फिर इसके अंदर दोबारा बुनेंगे, एक दो तीन, इस तरह फिर इन सबको एक साथ बुन लेंगे। तो देखिए एक दो तीन चार बन गए हमारे। फिर आपने दोबारा इसके अंदर एक बार और बनाना है, एक दो तीन, और फिर इन सबको एक साथ बुन लेंगे। फिर दो चैन बुनेंगे, एक दो, दो के बाद आपने फिर से देखिए एक एक जाली स्किप करके सेकंड जाली में यहाँ आपने सिंगल क्रोशिया से बुनना है। फिर एक और दो, दो चैन बुननी है, और फिर इस जाली में हमने फिर से पांच बार पफ स्टिच बनाने, एक दो तीन। फिर आपने देखिए इन सबको एक साथ बुनना है, एक दो, दो चैन बुनेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स मैं इसमें फाइव टाइम बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने इस रो को देखे सेकंड रो को भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हम थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आपने क्या करना है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच चैन बुनेंगे और इसे पलट लेंगे, एक बल लेंगे तो एक की वाली एक चैन ये वाली ये स्किप कर देंगे, एक जाली यहाँ, यहाँ आपने डबल क्रोशिया से बुनना है, एक फिर एक चैन बुनेंगे, अब यहाँ बुनेंगे देखिए डबल क्रोशिया से, फिर एक चैन बुनेंगे और यहाँ बुनेंगे। इस तरह से हमारी देखिए तीन जालियाँ बन जाएंगी, एक दो तीन। अब आपने क्या करना है देखिए यहाँ पे, एक दो तीन चार, एक बल लेंगे और देखिए यहाँ, यहाँ से एक, फिर एक चैन बुनेंगे, फिर देखिए यहाँ दो, फिर एक चैन बुनेंगे यहाँ तीन, फिर देखिए एक चैन और यहाँ चार। देखिए इस तरह से फिर आपने क्या करना है, ये देखिए एक दो तीन चार, एक बल लेंगे और देखिए यहाँ इस तरह से एक चैन, यहाँ बुनेंगे डबल क्रोशिया से, फिर एक चैन, फिर यहाँ बुनेंगे डबल क्रोशिया से, फिर एक चैन और यहाँ बुनेंगे डबल क्रोशिया से, फिर एक दो तीन चार, यहाँ बुनेंगे एक, यहाँ एक चैन का गैप डालेंगे पहले इस तरह से, फिर एक चैन यहाँ, फिर एक चैन बनेंगे और यहाँ बनेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमने अपनी थर्ड रो भी देखिए कंप्लीट कर ली है। अब हम फोर रो बुनेंगे। देखिए हमने थर्ड रो भी कंप्लीट कर ली है, अब यहाँ से हम फ्रेंड फोर रो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक दो तीन चार, चार चैन बुनेंगे, इसे पलट लेंगे और एक चैन ये एक जाली स्किप करके सेकंड वाली जाली में हमने सिंगल क्रोशिया से बुनना है। फिर देखिए एक दो, दो चैन बुनेंगे और फ्रेंड्स जैसे कि जैसे ही हमने ये वाला फूल बनाया था बिल्कुल हमने अब इसमें इसी तरह बनाना है। देखिए यहाँ इस तरह एक, तीन बार का पफ स्टिच लेंगे, दो तीन, देखिए तीन हो गए, अब इन तीनों को एक साथ बुन लेंगे इस तरह। फिर एक और दो, दो चैन बुनेंगे, फिर देखिए यहाँ एक दो तीन, और इन तीनों को फिर एक साथ बुन लेंगे, एक दो, फिर देखिए यहाँ एक दो तीन, और फिर इन सबको एक साथ बुन लेंगे। देखिए इस तरह एक दो तीन, और फिर इन तीनों को एक साथ, दो चैन का गैप रखेंगे, फिर देखिए एक दो तीन,
और इन तीनों को एक साथ इस तरह से देखिए, ये हमारे पांच हो गए। देखिए एक दो तीन चार और ये पांच। फिर आपने दो चैन बुन ली, दो चैन बुनने के बाद यहाँ इस तरह से एक एक और दो, फिर यहाँ आपने देखिए यहाँ देखिए फ्रेंड इस तरह से फूल ये हमने बना लिया है। बिल्कुल इसी तरह से फ्रेंड सबने यहाँ बनाना है और यहाँ, तो ये मैं रिपीट कर आपको बताती हूँ फ्रेंड। इस तरह से हमने देखिए सेकंड फोर रो भी देखिए कंप्लीट कर लिए और बनने के बाद देखिए इसका इस तरह से लुक आया है फ्रेंड्स। देखिए आपने सिर्फ इसमें टू ही रो रिपीट करनी है। देखिए ये फर्स्ट और सेकंड, फिर ये फर्स्ट और सेकंड, और ये आपका बहुत प्यारा सा डिजाइन तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।